Hello, students, welcome back. Uh, as uh, we were discussing work, energy, and power class 10th ICSC board physics. So, uh, today it is the second lecture. I welcome all of you uh, to it. And uh, here in the second lecture of work, energy, and power chapter 2, we uh, are going to cover the following syllabus as you can see here.

वर्क uh, uh, is something that we do on the usual basis daily हम कुछ ना कुछ काम करते ही हैं तो अब हम उसके बारे में समझ रहे हैं कि physics में काम को work को कैसे define किया गया है mechanical work क्या होता है energy क्या होती है power क्या होती है इनके म्यूचुअल रिलेशन क्या है सो दैट्स वॉट वी विल अंडरस्टैंड टूडे तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा तो स्टार्ट uh, करते हैं विद द

Remind you all what we have done in the last lecture. Uh, we have talked about uh, the definition of work. We have that W is equal to Fs cos theta. Hota hai in general, the general formula for work is W equal to Fs cos theta, where F is force, S is displacement, and theta is.

टॉक अबाउट वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट फोर्सेस ये समझने की जरूरत है पहले हमें कि वेरिएबल फोर्स क्या होता है और कॉन्स्टेंट फोर्स क्या होता है तो समझिए फोर्स के ये दो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्निट्यूड और डायरेक्शन एक होता है वेरिएबल फोर्स और एक होता है कॉन्स्टेंट फोर्स जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो कांस्टेंट फोर्स है जो कांस्टेंट है मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग ऑफ एन इवेंट इज ए बाय बाई टू न्यूटन ऑफ फोर्स सपोज कीजिए किसी जगह पर कोई काम कर रहे हैं आप और तब स्टार्टिंग में उस पर टू न्यूटन फोर्स लगा अब क्या है कि

ग्राफ प्लॉट करूँ विद द डिस्टेंस देन आई विल फाइंड अ ग्राफ लाइक दिस सपोज कीजिए ये फोर्स एक्सेस है ये डिस्टेंस एक्सेस है और अगर मैं कांस्टेंट फोर्स के लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं देन आई विल सी अ ग्राफ लाइक दिस दिस ग्राफ इज पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सेस शोइंग दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज चेंजिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज कॉन्स्टेंट इट इज नॉट चेंजिंग Getting my point? तो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज कॉन्स्टेंट विद टाइम और डिस्टेंस और पोजिशन स्टूडेंट्स तो फोर्स फोर्सेंट मतलब उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा नाउ स्टूडेंट्स देर इज ऑल्सो सेकेंड काइंड ऑफ फोर्स एंड दैट फोर्स इज वेरिएबल फोर्स नाउ वॉट इज वेरिएबल फोर्स अफकोर्स कॉन्स्टेंट का अपोजिट होगा ना मतलब जहां पर फोर्स जो है वो चेंज हो रहा हो टाइम के साथ उसकी वैल्यू में चेंज हो रहा हो वेरिएबल फोर्स क्या है वेरिएबल फोर्स वो है जहां पर फोर्स की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही हो ठीक है तो मैग्नीट्यूड ऑफ सच अ फोर्स वेरी विद टाइम टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे या डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि तो टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही होगी अगर फोर्स लगा है और वह फोर्स मोशन करवा रहा है तो।, तो अब यहां पर क्या हुआ सपोज कीजिए ये अगर आप यहां एफ और एस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ पैरेलल टू एस एक्सेस नहीं आएगा वो ग्राफ कुछ भी शेप हो सकती है सपोज कीजिए वो ऐसा हो सकता है फिर ऐसा हो सकता है ये ऐसे करके कुछ भी हो सकता है बट इट विल नेवर बी पैरल टू एस पैरल टू एस ये कभी भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग तो एनी फोर्स विच चेंजेस विद टाइम और पोजीशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स आई होप यू अंडरस्टूड इट ठीक है अब क्या है कि वेरिएबल फोर्स में क्योंकि फोर्स हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है तो वेरिएबल फोर्स में आप फोर्स के लिए जो डब्ल्यू इजिक्वल टू एफ एक्स कॉस्टीटा वाला फॉमुला है वो फॉर्मुला कैसे अप्लाई करें नाउ दैट्स द क्वेश्चन कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे ठीक है तो इसकी जो टेक्निक आपके सिलेबस में दी गई है वो क्या है वैसे तो आप इलेवेंथ क्लास में जब फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर इलेवंथ में भी है सेम चैप्टर तो आप वहां समझेंगे इसके बारे में वहाँ, वहाँ डिटेल्ड है लेकिन अभी के लिए समझते हैं कि वेरिएबल फोर्स का मतलब ये हुआ कि आप यहां पर थे तो फोर्स की वैल्यू मान लीजिए एफ वन थी आप इस पॉइंट पर पहुंचे एफ हो गई आप इस पॉइंट पर पहुंचे एफ हो गई अब आपको यहां से यहाँ तक का टोटल वर्क निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इस पॉइंट का अलग इस पॉइंट का अलग और इस पॉइंट का अलग निकालना पड़ेगा तीन वर्क डन निकालने पड़ेंगे और W1, W2 और W3 और फिर ये तीनों वर्क डन निकालने के बाद इन तीनों को सम अप करना पड़ेगा देन यू विल फाइंड द एक्चुअल वर्क डन टोटल वर्क डन समझ में आ रही है बात तो अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो आप ग्राफ से ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बात आपको इस नोट में समझाई गई है सो नाउ रिटर्निंग टू द नोट लेट्स वर्क डन इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ उस केस में अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप क्या करें फोर्स वेरिएबल है तो वो डिसमेंट पर डिपेंड कर रहा है तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर ले is taken on y axis displacement on x axis the area enclosed by the sketch and the displacement axis gives the work done iska matlab kya hua iska matlab ye hua ki agar force variable hai to aap kya kare aap is tarike se force aur displacement ke liye एक graph plot करें आप force डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है मान लीजिए फोर्स का जो आपको शेप दी वो कुछ इस तरीके की shape आई ठीक है तो ये आपने जब फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करा तो ये शेप आई तो इस शेप को आप क्या करें इस शेप और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का जो एरिया है आप इस एरिया की वैल्यू पता करें ये जो मैं एरिया शेयर कर रहा हूँ ठीक है ये पूरा एरिया की वैल्यू पता कर ले आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट्स अ ये क्या है इट्स दिस ज्योमेट्री इज ट्रेपेजियम तो आप ट्रेपेजियम का एरिया दिखा दें जो आएगा वही क्या होगा वर्क डन होगा तो डब्लू इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज बिट्वीन एफ एस ग्राफ एंड एस एक्सेस क्लियर स्टूडेंट्स ये वेरिएबल फोर्स अगर आपको दे रखा है तो उसका वर्कडन कैलकुलेट करने का तरीका है आप क्या करेंगे पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और फिर उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे इट विल बी द एरिया ऑफ द ग्राफ विच इज इक्वल टू द वर्क डन बाई दैट वेरिएबल फोर्स तो यही यहाँ इन्होंने जैसे आप देख सकते हैं या दे दे कैन हैव टेकन अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एस सो लाइक दिस दे हैव प्लॉटेड द ग्राफ दिस इज स्ट्रेट लाइन ओ ए सो दिस इज द एरिया दैट दे हैव फाउंड आउट और ट्राइंगल बन रहा है एज यू कैन सी तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है

यही इन्होंने आगे और समझाया है दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशन ये मेथड हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है अगर मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट है यानी वो चेंज नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे अभी आपको बताया था कि पैरेलल टू एस एक्स एक ग्राफ आएगा ठीक है और इस ग्राफ में जो एरिया कवर हो रहा है दैट विल बी आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल आप उसका इस तरीके से यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू कि एरिया निकालकर दे लाइक दिस ये एरिया जो निकाला है और इससे आपको पता चल जाएगा तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का एरिया निकालते हैं तो ये एरिया हमेशा वर्क डन के इक्वल होता है क्लियर है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आप समझिएगा द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन एफ एस ग्राफ and is is always equal to work done whether the force is variable or constant Lekin, constant karte नहीं करते क्योंकि हम सीधे formula से निकाल सकते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूले से निकालेंगे तो मान लीजिए आपको 10 points पर निकालना है तो 10 अलग अलग वर्क डन निकालने पड़ेंगे और उसके comparison में ग्राफ से सॉल्व करना easy पड़ता है तो इसलिए हम वेरिएबल के केसेस में वेरिएबल फोर्स के केसेस में ग्राफ वाला तरीका यूज करते हैं और कांस्टेंट के केसेस में सीधे फोर्स का ऑल्दो ग्राफ वाला तरीका फोर्सेस चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट दोनों केसेस में वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ वाला तरीका वैलिड है आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखिए जरा वेरी सिंपल इट इज सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है ये ठीक है ये बॉडी है और ये बॉडी किसी हाइट पर है एच हाइट पर मान लीजिए और इस पर एम जी एक फोर्स लग रहा है एफ ग्रेविटी का जो फोर्स है और ये इसकी वजह से ये बॉडी यहां से गिरती हुई आती है और यहां तक आ जाती है गई बात समझ में ये जो हाइट है ये कितनी है मान लीजिए दिस हाइट इज एच ओके स्टूडेंट्स सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन बाय ग्रेविटी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा देखते हैं समझिए जरा वर्क डन बाय ग्रेविटी डब्लू इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही होता है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर इस केस में थीटा कितना होगा अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि बॉडी पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और बॉडी में मोशन भी नीचे की तरफ हो रही है तो इसलिए थीटा क्या हो गया दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा हो गया जीरो तो एफ इंटू एस अब एफ क्या है F की वैल्यू कितनी है mg और s कितना है जितनी हाइट उसने गिरा है वो नीचे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई दॉडी तो इट इज इक्वल टू एच यहाँ पर एस इज इक्वल टू कितना एच है? है तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच दिस इज द वर्क डन बाई ग्रेविटी ग्रेविटी का जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो ये है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर सिंपल सी बात है यहां डिस्प्लेसमेंट एच हुआ है तो इसलिए हमने एस की जगह एच लिया है, है तो एच की जगह एम जी लिया है ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज क्लियर अब ये फॉर्मूला चाहे आप एच हाइट पर कैसे पहुंचे हैं आप uh, किसी व, सीधे एच हाइट पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट uh, करके गए हैं या आप जो है किसी और तरीके से कोई सीढ़ियाँ चढ़ के स्टेस से हिल से स्लोप से कैसे गए इस बात पर मैटर नहीं करता क्योंकि ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप मान लो किसी स्लोप से गए हो ऐसे तो अलोंग द स्लोप इस तरीके से ग्रेविटी एक्ट करे ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट लाइक दिस ओनली यह हमेशा वर्टिकली एक्ट करती है ग्रेविटी और इसलिए ग्रेविटी का जो वर्क डन होगा वो हमेशा वर्टिकल हाइट मेजर करके निकाला जाएगा चाहे आप भले ही हॉरिजोंटल चलकर स्लोप पर चलकर गए थे आप किसी स्टेयर के थ्रू गए थे आप हिल के थ्रू गए थे नो no मैटर जब जिस पॉइंट पर आप पहुंच गए उस पॉइंट की ग्राउंड लेवल से वर्टिकल जो सेपरेशन होगा दैट विल बी यूज जब भी आप ग्रेविटी का डन निकालेंगे ओके स्टूडेंट्स सो दिसंट आई होप इर टू ऑल ऑफ यू यही बात यहाँ पर आपको समझाई गई है आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी फिर भी इफ यू विल फाइंड एनी डाउट यू आर फ्री टू आर क्वेश्चन दैट वेरी गुड अभी आगे बढ़ते हैं एस अब बात आती है कि यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है वॉट इज यूनिट ऑफ वर्क एज यू कैन सी हि यूनिट्स ऑफ वर्क तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स होती हैं आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कि देर आर मैनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स लाइक एज यू नो कि यूनिट्स जो हैं सी जी एस है एफ पी एस है एम के एस है एस आई यूनिट है बट यहाँ हम एफ पी एस वगैरह इतने डेप्थ वाली चीज़ें नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो अब आउट ऑफ डेट आउट फैशन हो चुकी हैं हम वो पढ़ रहे हैं जो फैशन में हैं तो मेनली जो दो टाइप की यूनिट्स हैं जो फैशन में हैं और जो अब हमारे स्कोप ऑफ डेली रूटीन में आती हैं उन चीजों में uh, तो दो जो यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं लेट्स सी अगर हम वर्क की यूनिट की बात करें तो वर्क की ऐसा यूनिट जो होती है वो जूल होती है ठीक है और जूल को आप कैसे पता करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एज यू कैन सी फोर्स की है और डिस्प्लेसमेंट मीटर है तो वन जूल इज इक्वल टू होता है तो बॉडी थ्रू डिस्टेंस ऑफ वन मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ठीक है इसमें अगर थीटा जीरो हो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में एस की वैल्यू वन मीटर हो और एफ की वैल्यू वन न्यूटन हो तो जो वर्क आता है वो वन जूल होता है इट वन जूल इज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ़ न्यूटन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी ऑफ वो थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कोई भी फोर्स जिस जो वन न्यूटन का फोर्स है वो अगर किसी बॉडी को वन मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है उस बॉडी में अपनी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, उसी डायरेक्शन में तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो वन जूल होता है इसकी कुछ बिग यूनिट्स भी हैं ठीक है जूल से बड़ी यूनिट्स किलो जूल मेगा जूल गीगा जूल एटसेट्रा किलो के लिए टेन टू पावर थ्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलो जूल इज इक्वल टू टेन टू पावर थ्री जूल वन मेगा जूल इज इक्वल टू टेन पावर सिक्स जूल एंड वन गीगा जूल इज इक्वल टू टेन टू द पावर नाइन जूल स्मॉल यूनिट भी है इसकी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में अर्ग विच इज कॉल्ड

done when a force of one dyne displaces a body through a distance of one centimeter in its own direction ठीक है students अर्घ और जूल में एक रिलेशन भी होती है तो समझते हैं कि क्या होती है ये देखिए आप यहाँ पर इट इज एक्सप्लेन हियर वन जूल इज इक्वल टू अभी आपको ऊपर बताया था वन न्यूटन इंटू वन मीटर होता है अब अगर आप न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो न्यूटन uh, और डाइन में ये रिलेशन होती है वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन टू द पावर फाइव डाइन एंड वन मीटर इज इक्वल टू टेन टू द पावर टू सेंटीमीटर ठीक है तो आपको क्योंकि इसे जूल को कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में तो आपको न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ा और मीटर को भी तो न्यूटन का डाइन में कन्वर्जन हुआ और मीटर का सेंटीमीटर में ये रिलेशन है और इन रिलेशंस को आपने फिर यहाँ पर जो वन जूल इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर दिया इस दिस फॉर्मू इन दिस फार्मूला यू हैव पुट दीज वैल्यूज सो नाउ यू गेट वन जूल इज इक्वल टू यहां पर समझा था अर्ग तो आप टेन पावर डाइन सेंटीमीटर क्या लिख दिया आपने अर्घ लिख दिया तो दिस इज हाउ यू गेट द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्घ वन जूल इज इक्वल टू टेन टू दावर 7 अर्ग ओके स्टूडेंट नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सो नाउ वी स्टार्ट पावर इज पावर नाउ स्टूडेंट्स पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क कोई बॉडी एक सेकेंड में कितना वर्क कर रही है उसको हम क्या कहते हैं पावर कहते हैं अब देखिए कैसे ये बस ये बात समझने की सपोज कीजिए कि अगर ये कहा जाए कि आपको अपनी आपको टेन किलोमीटर चलना है सपोज हम मैं एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा ले रहा हूं यहाँ पर आपको ये कहा गया कि आपको टेन किलोमीटर चलना है लेकिन वो टेन किलोमीटर आपको कितने टाइम में चलना है ये नहीं बताया गया तो टेन किलोमीटर कोई पूरी लाइफ में चला तो पूरी लाइफ में तो इंसान एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है इफ वन इज मूविंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर तो भी वो पूरी लाइफ में टेन किलोमीटर आराम से चलेगा चाहे कितना भी लेजी क्यों ना हो है ना तो टेन किलोमीटर वो चला क्या उसको ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिलने वाला है नहीं मिलने वाला बट द वन हु ओलंपिक रेस इज सपोज टू गेट द गोल्ड मेडल क्यों क्योंकि कम टाइम में उसने उतनी डिस्टेंस कवर की जितनी आपने ज्यादा टाइम में की थी तो बेसिकली कहीं ना कहीं काम क्या है वो डिपेंड करता है लेकिन वो काम कितने टाइम में किया जा रहा है इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है इफ यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट टास्क बट यू टेक

और वो क्वांटिटी क्या है दैट क्वांटिटी इज पावर स्टूडेंट्स वो क्वांटिटी क्या है पावर है तो पावर क्या है पावर ये कहती है कि वर्क क्या था दैट इज गुड लेकिन वो कितने टाइम में खत्म किया गया दैट इज पैटर वन तो इसीलिए पावर का जो डेफिनेशन है वो कहता है रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब टोटल आप काम कितना कर सकते हैं मैटर नहीं करता आप गिवन टाइम में यूनिट सेकेंड में यूनिट सेकेंड का मतलब होता है वन सेकेंड में कितना टाइम कर सकते हैं वो मैटर करता है क्योंकि आप वन सेकेंड में अगर दस जूल काम कर सकते हैं और आप लगातार काम करेंगे तो आप सिक्सटी सेकंड्स में ज्यादा काम कर लेंगे एज कंपेयर टू दैट जो वन सेकेंड में वन जूल काम कर सकता था सोचो अगर आप एक सेकेंड में इन वन सेकेंड यू आर डूइंग टेन जूल वर्क एंड देर इज समबडी एल्स हु इज डूइंग सेकेंड में वन जूल वर्क तो अभी एक कंपनी आई उस कंपनी को हायर करना है तो किसे हायर करेगा ऑब्वियस बात है टेन जूल वर्क जो कर रहा था एक सेकंड में क्योंकि जो एक सेकंड में टेन जूल वर्क कर रहा है ये अगर साठ सेकंड सिक्सटी सेकंड लगातार काम करेगा तो कितना वर्क कर लेगा तो चो सिक्सटी इंटू टेन यानी सिक्स हंड्रेड जूल और ये जो एक सेकंड में एक जूल काम कर रहा है ये अगर सिक्सटी सेकेंड काम करेगा तो तो ये जूल 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 करेगा और 60 जूल काम के में 600 जूल तो में ज़्यादा है सेम टाइम जो ज्यादा काम करके देगा कंपनियों से हायर करेगी सिंपल सी बात है तो इसलिए मोर पावरफुल पर्सन इज हायर्ड है ना तो ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी बिल्कुल कि पावर जो है वो इंपॉर्टेंट है पावर डिसाइड करती है कि अमाउंट ऑफ वर्क एक सेकंड में कितना हो रहा है एंड दिस इज इज व्हाट रिटन हियर द पावर इज स्पेंट बाय अ सोर्स इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स इन सेकंड इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स सोर्स मतलब जहां से फोर्स आ रहा है जो वर्क कर रहा है तो अगर मान लीजिए कि वर्क W है और टाइम T है तो पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन T एज यू कैन सी हियर ठीक है पावर किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है पावर दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स एक तो अमाउंट ऑफ वर्क पर काम कितना है वो तो मैटर कर ही रहा है बट ऑल्सो ऑन टाइम टेकन बाई टू डू दैड वर्क ठीक है अभी एक मशीन जो है या एक इंसान जो है वो ज्यादा काम कम समय में करता है तो उसकी पावर ज्यादा यूज होती है ठीक है और एक इंसान या मशीन अगर ज्यादा जा, काम ज्यादा समय में कर रहा है तो इसका मतलब उसकी पावर कम है तभी तो वो ज्यादा टाइम ले रहा है टाइम तो मैटर्स ठीक है स्टूडेंट्स तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ भी किया है उन्होंने तो लेट्स सी कि वो में अपने क्या कह रहे हैं आ, बुक में बुक में उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें वो कहते हैं अकुली टेक्स वन मिनट टू लिफ्ट अ लोड इफ अकुली ए टेक्स वन मिनट टू लिफ्ट अ लोड दोनों ने तो काम तो सेम किया लेकिन क्योंकि कुल ए ने वो काम जल्दी कर लिया था तो उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है बट द पावर इज स्पेंट बाई कुलस दावर स्पेंट बाई बी

P is equal to w upon T, होता है क्या और अगर कांस्टेंट फोर्स के लिए बात की जाए तो W का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है F, S, पढ़ा है तो F, S upon T, अब जरा बताइए कि S upon T, displacement upon time, क्या होता है S upon T is equal to नहीं जानते हे भगवान इतना भी नहीं पता ओके कोई बात नहीं परेशान नहीं होना है नहीं जानते से। rate of change of displacement is called Velocity, तो यहाँ परिटी या आप इसको स्पीड भी कह सकते हो ठीक तो है तो यह क्या होगी एवरेजिटी या एवरेज स्पीड हो गई क्योंकि ले सकते हो उसे तो अगर आप ऐसे पॉइंटी की जगह डाल देते हैं पी इज इक्वल टू कितना हो गया एफ पी सो दिस इज द रिलेशन पावर इज इक्वल टू फोर्स इन टू एवरेज स्पीड समझ में आ गई बात एंड द सेम रिलेशन इज गावर इज इक्वल टू फोर्स इन टू एवरेज स्पीड क्लियर स्टूडेंट्स ठीक है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ पावर सो इन यूनिट्स ऑफ पावर वी हैव टू अंडरस्टैंड एस आई यूनिट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ पावर ओके तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी ओके स्टूडेंट्स सो हियर डब्ल्यू जो होता है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है जूल और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड ओके सो so, पावर की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो पावर की ऐसा यूनिट है जूल पर सेकेंड जूल पर सेकेंड जिसको हम कहते हैं वॉट ठीक है इसको वॉट कहते हैं और W से रिप्रेजेंट करते हैं इसको आप कंफ्यूज ना हो ये W वर्क नहीं है ये स्टूडेंट्स okay, तो यही बात यहाँ समझाई गई है दैट यूनिट ऑफ पावर इज 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 इट एज W इफ जूल वर्क डन इन देन द पावर ऑफ द सोर्स इज वन वॉट अगर कोई एक सेकंड में एक जूल वर्क करता है तो उसकी जो पावर होगी वो वन वॉट होगी इसकी कुछ बिगर यूनिट्स भी हैं जैसे किलो वॉट

तो सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज इक्वस टू अर्ग पर सेकंड क्योंकि वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है वर्क की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग और टाइम की सीजीएस यूनिट भी सेकंड ही होती है तो इसलिए अर्ग पर सेकंड इज द सीजीएस यूनिट ऑफ पावर और अगर आप रिलेशन समझें तो जो रिलेशन वहां था वर्क में और वर्क की एस आई सीजीएस यूनिट में था वही रिलेशन पावर में रहता है ठीक है तो वन वॉट इज इक्वस टू टेन टू पावर सेवन अर्ग पर सेकेंड एक हॉर्स पावर हॉर्स पावर एक्चुअली स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो इस पावर का यूज करते हैं वो इस यूनिट ऑफ पावर का यूज करते हैं इंजंस वगैरह में ठीक है हॉर्स पावर ये इंजन की पावर डिसाइड करती है या बड़ी-बड़ी मोटर्स -बड़ी की पावर डिसाइड करने वाला यूनिट है सो इट इज अ यूनिट ऑफ पावर लार्जली यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ओके एंड

पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ये डेफिनेशन ही एक डिफरेंस हो गई दूसरा वर्क टाइम पर डिपेंड नहीं करता मतलब आपका काम करना है समय का उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता टाइम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता यू कैन डू द वर्क द टाइम यू एज मच एज यू वॉन्ट यू कैन टेक द टाइम बट पावर जो है वर्क टाइम पर भी डिपेंड करती है अगर आपने वर्क को गिवन टाइम से ज्यादा टाइम में किया है तो आपकी पावर डिक्रीज हो जाएगी अगर आपने कम टाइम में किया है तो आपकी पावर इंक्रीज हुई मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर Now SI unit of work is joule and SI unit of power is what? Clear है student? यहां तक आपको कोई doubt नहीं होगा I hope simple simple बातें थी बहुत simple है आपको learn करनी है ये बातें है ना समझनी है समझ कर इनको अपने दिमाग में अपने mind में एकदम fix कर लेना है कि what is power, what is work. ठीक है work में time dependency कहीं नहीं है power में time dependency है Okay students? So I think all these points are clear to you. You must go through the uh, book. आप एक बार रीड करिएगा चैप्टर देखिए मैं आपको बताऊं टीचर कितना भी एक्सप्लेन करें बट आई ऑलवेज थिंक दैट द बेस्ट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड ओनली व्हेन द स्टूडेंट पेज अटेंशन हिमसेल्फ टुवर्ड्स द टॉपिक अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अपना अलग मजा आएगा आपके अपने अलग डाउट्स बनेंगे अलग ट हो गया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस स्टूडेंट एक्चुअली इफ यू आर नॉट क्यूरियस अबाउट द थिंग्स तो आप कभी भी उतना अच्छा एंजॉय नहीं कर पाएंगे एंड दैट्स एन एन्जॉयमेंट सो एन्जॉय इट योर सेल्फ नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्जी एनर्जी क्या होती अब आप सब हम सबको पता है कि अगर हम वर्क करते हैं तो हम थक जाते हैं देखा होगा आपने अगर आप ज्यादा काम कर लो तो आप थक जाते हो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वर्क करने की कैपेसिटी थी वही एनर्जी थी क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाता है तो हम थक जाते हैं समझ में आ रही है बात आप जैसे काम ज्यादा करो मान लो मैं आज घर पे लगा दिया ना बेटा ना आज तो तुझे ये बकेट ऑफ वाटर उठाकर 25 बार थर्ड फ्लोर पर ले जानी है ग्राउंड फ्लोर से अब भाई साहब लगा दिया आपको काम पर क्या हुआ ना यू आर जस्ट टेकिंग दैट बकेट ऑफ वॉटर एवरी टाइम फिल्ड विद द वॉटर टू द थर्ड फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर समझ रहे हो बात को थक गए ना दम निकल गई चारों खाने चित्त पड़े हैं। लेकिन इससे आपको साइंस में एक बात समझ में आई इसका मतलब मैं थक गया मतलब मेरी एनर्जी खत्म हो गई और ये एनर्जी खत्म हो गई किस वजह से कि बाल्टी उठाकर लाया था और बाल्टी उठा कर लाया था बकेट उठा कर लाया था मतलब मैंने क्या किया था आई हैव डन वर्क सो इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ठीक है तो यही एनर्जी की डेफिनेशन है द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क ओके स्टूडेंट्स सो द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी

There is no transfer of energy if a body is acted upon by a force normal to the direction of displacement. So if the work is zero, then there is no transfer of energy. ye important point hai note karne ke liye ki agar aap work nahi kar rahe theek hai तो कोई energy transfer नहीं हो रही. मतलब आपकी energy क्या है आपके पास constant है. If you are not doing work. कौन सी energy है? Mechanical energy होती है actually. It is a constant if you are not doing work. तो so, ठीक है देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स नॉर्मल टू अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ सेंटिबिटल फोर्स इज नॉर्मल बताया था आपको ये तो डिस्प्लेसमेंट और अरे याद नहीं आया लो, याद दिलाते हैं भैया ये हो गया सर्कुलर पाथ इस सर्कुलर पाथ में क्या था फोर्स इस तरफ लग रहा था डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा था तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो गए थे और ऐसे केस में जब दोनों 90 डिग्री पर थे तो क्या था वर्क डन जीरो था और वर्क डन जीरो होने का मतलब एनर्जी क्या थी कॉन्स्टेंट यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा था देर वॉज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पे पूछा भी जाता है अच्छा हमें लगता भी है कई बार कि हम तो थक गए तो इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है अगर वहां पर वर्क डन नहीं है इफ यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क देन बी नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द बॉडीज फर्स्ट यू हैव टू डू वर्क ओनली देन द एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम यू टू अनदर बॉडी ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ एनर्जी जी एज यू कैन सी ये एनर्जी क्या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मतलब आप काम करते हैं तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है आप काम नहीं करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है What does it show? ये इस बात को शो करता है कि काम और एनर्जी वर्क और एनर्जी क्या है इक्वी वैलेंट है यानी वर्क और एनर्जी के जो नेचर है वो एक जैसे कभी भी एनर्जी वर्क में परिवर्तित है चेंज्ड है और कभी भी वर्क एनर्जी में चेंज हो जाता है मतलब समझ रहे हो मतलब ऐसे बहुत समझते समझते हैं ना भगवान भगवान के अवतार आते हैं ना लाइक अभी राम जी आ गए ऐसे विष्णु जी का अवतार वापस से राम जी विष्णु जी बन गए सेम वाला ऐसे एनर्जी वर्क का है तो मतलब क्योंकि एनर्जी और वर्क सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी और वर्क सेम बाय नेचर नहीं है ऐसा नहीं कि दो, फिर आप एनर्जी की जगह चलोगे, बट दोनों समझ में आ रही है बात तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क ओके स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ एनर्जी क्या रखते हैं सेम रखते हैं जैसे यूनिट ऑफ वर्क है ना यानी इसकी ऐसा यूनिट भी वही होती है जूल यूनिट वही होती है अर्ग रिलेशन भी वही होती है इसके अलावा जैसे पावर था तो आपको पता है बताइए अपॉन टी था तो यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू हम P इन टू टी लिख सकते हैं अब अगर हम ये वर्क कर रहे हैं तो मतलब हमारी कुछ एनर्जी है E वो लूज हो रही है तो हम E इज इक्वल टू भी तो P इन टू टी लिख सकते हैं और W और E क्या है इक्वेलेंट है तो अब पी की यूनिट क्या होती थी वॉट होती थी और किलोवाट होती थी है ना और बहुत सारी और भी होती थी ऐसा भी याद नहीं है और टाइम की क्या होती थी सेकंड होती थी और आर होती थी है ना सेकंड और आर तो इस तरीके से वॉट और आर का कॉम्बिनेशन करके एक यूनिट बनती है और एक किलो वाट और आर का ये कॉमर्शियल यूनिट यानी ये कहाँ यूज की जाती हैं ये जो जहां पर मार्केट में यूज की जाती है मार्केट का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा अभी समझाऊंगा पहले समझ लेते हैं कि मतलब क्या है इसका वन वॉट आर इज द एनर्जी एक तो याद रखिएगा वॉट भले आ रहा है इसमें इसमें इट इज इस एनर्जी क्योंकि के संग टाइम भी आ रहा है तो पावर की यूनिट के संग टाइम की यूनिट का मल्टीप्लाई हो जाए तो एनर्जी की यूनिट बन जाती है ठीक है तो वन वॉट आर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड बाई सोर्स ऑफ पावर वन वॉट इन वन आर यानी कोई ऐसा ऐसी बॉडी जिसकी पावर वन वॉट है वो एक घंटे काम करे तो उसकी जो एनर्जी स्पेंड हो जाएगी जो एनर्जी उसमें वो लूज कर देगी वही एनर्जी क्या है वन वॉट आर अगर मान लो आप की पावर कितनी है मान लो आप हो ए आपकी पावर है है ठीक और आपने वंस आर काम किया तो आपका जो टोटल लॉस ऑफ एनर्जी हुआ वो टोटल लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा टोटल लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वन वॉट आर समझ में आ गई बात चमक गया अच्छे से तो यही वन वॉट आर के बारे में बात आपको याद रखनी है कि इफ़ यू पावर इज़ वन वॉट इफ अ मशीन इज हैविंग और एनीबॉडी बडी इज हैविंग अ पावर ऑफ वन वॉट एंड इट इज डूइंग वर्क फॉर वन आर देन इट्स एनर्जी स्पेंट विल बी वन वॉट आर ओके स्टूडेंट्स वन वॉट आर को अगर आप कन्वर्ट करते हैं जूल में तो इट विल बी देखो वन वॉट इज इक्वल टू कितना हो गया वन वॉट इज इक्वल टू हुआ वन जूल पर सेकेंड एंड वन आवर इज इक्वल थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड कैसे हुआ ये नहीं पता अच्छा सिक्सटी मिनट इंटू सिक्सटी सेकेंड तो सिक्सटी इंटू सिक्सटी कितना होता है वन आवर को सिक्सटी इंटू सिक्सटी सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया कितना हुआ थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड हो गया तो वन इंटू थर्टी कितना हुआ थर्टी जूल इस और थर्टी जूल को आप थ्री पॉइंट सिक्स जूल भी लिख सकते हैं ठीक है एंड दिस इज हाउ इट कैन बी रिटेन एस थ्री किलो जूल एक और जो इसकी यूनिट थी वो थी किलो वॉट आर ये भी कॉमर्शियल यूनिट है और इसको डेफिनेशन अगर आपको लिखते हैं किलो वॉट डूइंग वर्क इन वन आवर देन इट्स एनर्जी स्पेंट इज वन किलो वॉट आर अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसकी पावर है वन किलो वॉट कितनी पावर है वन किलो वॉट और वो वन आवर वर्क करती है तो उसकी जो एनर्जी स्पेंडिंग होगी वो कितनी होगी वो होगी वन किलो वॉट आर अब किलो वॉट को अगर में कन्वर्ट करो तो थाउजेंड वॉट होता है और को जूल पर भी लिख लेते तो उन्होंने लिख लिया है ठीक है थाउजेंड जूल पर सेकेंड वन आर कितना होता है थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इट कैन बी रिटर्न थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर सिक्स जूल और टेन पावर सिक्स जूल कैन बी रिटर्न एज मेगा जूल ऊपर बताया था आपको ये अगर टेन पावर सिक्स कहीं पर लिखा है तो उसे आप मेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं तो देर इट कैन बी रिटेन सिक्स में आप इस रिलेशन के थ्रू लिख सकते हैं और वन वॉट आर को जूल में आप इस रिलेशन के थ्रू लिख सकते हैं आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो वॉट एंड किलो वॉट क्या थी यूनिट ऑफ पावर थी और वॉट आर किलो वॉट आर क्या है ये यूनिट ऑफ एनर्जी है या वर्क है समझ में आ गई ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन भी किया था नाउ बात ये थी कि कॉमर्शियल यूनिट कैसे हैं तो यहां इस बात को समझना है कि कॉमर्शियल यूनिट कैसे हो रही है ये कॉमर्शियल यूनिट इसलिए है ये क्योंकि जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना तो आपने सुना होगा कि मीटर में ऐसे वो रीडिंग दे जाता है जब जो एजेंट होता है तो आपने सुना होगा कि इतने यूनिट खर्च हुई इतने यूनिट खर्च हुई तो वो यूनिट क्या है वो एक्चुअली वन यूनिट इज इक्वल टू ये है वन यूनिट इज इक्वल टू One समझ में आ गई बात वन यूनिट इज इक्वल टू वन किलो वॉट आर ठीक है ना तो वन यूनिट इज इक्वल टू वन किलो वॉट आर और थाउजेंड वाट आर ये है तो मतलब वो जो बिजली है जो इलेक्ट्रिसिटी है उस कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज करते हैं गिवन टाइम में वो मेजर की जाती है किलो वॉट आर में इसलिए मैंने कहा कि ये कॉमर्शियल मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्री ये जो पैसा लेती हैं जब एनर्जी सेल करती हैं और पैसा लेती हैं तो वहां पर मोस्टली ये एनर्जी को जिस यूनिट में मेजर करके बेचती हैं सेल करती हैं वो यूनिट या तो वॉट आर होती है या किलो वॉट आर होती है देअो आई कॉल्ड इट कॉमर्शियल यूनिट ओके स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आपको नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग कैलरी आपने सुनी होगी बहुत ही फेमस है आजकल तो भाई कैलोरी बर्न करके सिक्स पैक एप्स बनाने होते हैं फिट होना होता है तो ये वही वाली कैलोरी है इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी आल्सो हीट एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी ठीक है हीट एनर्जी को हम यूजुअली कैलोरी मेजर करते हैं ऑल्दो उसकी भी ऐसा यूनिट जूल ही है लेकिन कन्वेंशनली उसको ज्यादातर किस में मेजर किया जाता है उसको मेजर किया जाता है कैलोरी में ठीक है कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी कैलोरी को डिफाइन करना है तो क्या डेफिनेशन है उसकी कैलोरी की डेफिनेशन है कि कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम डिग्री डिग्री सेल्सियस थ्रू टू सेल्सियस समझ में आ रही है बात पानी लिया कितना वन ग्राम वन ग्राम वाटर को हीट किया फोर्टीन पॉइंट फाइव से फिफ्टीन पॉइंट फाइव तक क्या राइज हुआ टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर रेंज में जब वन ग्राम वाटर को हीट किया गया तो इसके लिए जितनी हीट एनर्जी आपको चाहिए थी वही क्या है वन कैलोरी अब क्वेश्चन आया कि हम फोर्टीन पॉइंट फाइव से फिफ्टीन पॉइंट फाइव तक ही क्यों कर रहे हैं तो इसका रीजन यह क्योंकि ये साइंटिस्ट ने वाटर की स्टडी की उन्होंने देखा कि फोर्टीन पॉइंट फाइव से फिफ्टीन पॉइंट फाइव के बीच में जो वाटर को एनर्जी चाहिए उसको उन्होंने वन कैलोरी नाम दिया तो हम कुछ नहीं कर रहे उन्होंने किया था हम उसको फॉलो कर रहे हैं दैट्स इट ठीक है क्योंकि डेफिनेशन कैलोरी यूनिट जो बनाई उसकी डेफिनेशन जो बनाई वो साइंटिस्ट ने बनाई हम तो उसको सिर्फ समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं तो वन कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम फोर्टीन डिग्री डिग्री सेल्सियस वो जूल से बड़ी यूनिट है इसका मतलब ये हुआ ठीक है समझ में आ गई ये बात इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा इसकी कुछ बिगर यूनिट भी हैं किलो कैलोरी वगैरह किलो कैलोरी की अगर हम बात करें तो वो थाउजेंड कैलोरी के इक्वल है या फोर पॉइंट वन फोर वन एट जीरो जो जूल के इक्वल है अच्छा एक और बात समझने की है कहीं भी किलो लगाए मतलब टेन पावर थ्री का मल्टीप्लाई होना है कहीं भी मेगा लगाया मतलब टेन पावर सिक्स का मल्टीप्लाई होना है कहीं भी गीगा लगाए मतलब टेन पावर नाइन का मल्टीप्लाई होना है ओके एनर्जी की एक और यूनिट होती है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह जहां पर आते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे आपने थोड़ा शायद थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है नाइन्थ में थोड़ा सा पढ़ा था शायद इसको हम आगे भी पढ़ेंगे अगर आपने नाइन्थ में नहीं पढ़ा था तो भी परेशान नहीं होना वी विल स्टडी इट इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी मेजर करने के लिए जैसे एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी प्रोटॉन्स की एनर्जी न्यूट्रॉन्स की एनर्जी और बहुत सारे होते हैं न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ठीक है इनकी एनर्जी पता करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है ये काफी छोटी यूनिट ऑफ एनर्जी है ठीक है तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप कि इट इज द एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ एटॉमिक अच्छा ये डेफिनेशन इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये रही वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस याद है नहीं याद है तो परेशान नहीं होना अभी के लिए याद रख लेना है इसको हम इसको इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर आएगा आपके सिलेबस का उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो फिर से समझेंगे बट फॉर नाउ यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट द वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन वेन एक्सीटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन को अगर वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो उसमें जो एनर्जी आ जाती है उस इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी स्टूडेंट्स आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं आप ये समझे इलेक्ट्रॉन तो याद है इलेक्ट्रॉन वही नन्ना मुन्ना राई देश का सिपाही चलता था ऑर्बिट में रदरफोर ने बताया था न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम में तो वही इलेक्ट्रॉन को अगर आपने वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया होती होगी कोई चिड़िया पोटेंशियल डिफरेंस हम समझेंगे जब इस बारे में बात करेंगे अभी के लिए आप समझे बस कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने दे दिया इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन में वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी से शो करते हैं और ये रिलेशन होती है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 जू एनर्जी और पावर में डिफरेंस दे रखा है लेट्स सी व्हाट इट इज एनर्जी जो है वो बॉडी की कैपेसिटी है वर्क करने की पावर जो है वो क्या है एक सेकंड में वर्क करने की कैपेसिटी है या रेट ऑफ डूइंग इन वर्क और रेट ऑफ स्पेंडिंग एनर्जी है एनर्जी स्पेंड नॉट डिपेंड ऑन टाइम सिमिलरली जैसा वर्क के केस में था बट पावर डिपेंड्स ऑन टाइम ऐसा यूनिट इज जूल और पावर की ऐसा यूनिट वॉट है ठीक है स्टूडेंट्स सो आई होप कि ये आपकी समझ में आ गया होगा ठीक है नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज एंड ऑल्सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू कि आप सब जो है uh, इसके एग्जाम्पल्स जो सोल्व एग्जाम्पल्स हैं आप उनको जरूर सॉल्व करेंगे योर सेल्फ एंड इफ विल फाइंड एनी डाउट देयर यू प्लीज आस्क मी अबाउट दैम Or back in next lecture, we will continue uh, and solve the exercise of this uh, part. The, uh, today's lecture is over. Uh, thanks for being here. Uh, I wish you all a very good time ahead and hope you will spend your time with the books that are really very good friends of human beings. Thank you, students.